करनाल में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री वेदपाल ने कहा कि 19 दिसंबर को 1,00,000 किसान SYL के पानी को लेकर प्रदेश के सभी मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे, जिसका भाजपा समर्थन करती है। आपको बता दें कि ये बात भाजपा के महामंत्री वेदपाल ने करनाल के रेलवे रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि SYL के पानी को लेकर हरियाणा के किसान प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसका भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए केंद्र की सरकार जो 3 नए कानून लेकर आई है, वह किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक होंगे, किसानों की स्थिति और सुधरेगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं, किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी, सतीश राणा, सुनील गोयल आदि मौजूद रहे। पहले भी डिमांड करता रहा है शुरू से ही कि हरियाणा के हक का उसको पानी दिया जाए, जिससे कि हमारे दक्षिण हरियाणा के किसानों को सिंचाई के लिए उनका पर्याप्त पानी मिल सके। उसी को लेकर ये वो पिछले लगभग 12 साल से ये कोर्ट में था और ये डिमांड पहले भी थी और आज भी है। और रहेगी बात अपना जो अध्यादेश वाली, जैसे आप कह रहे हैं अध्यादेश, ऐसे जो तीनों अध्यादेश जो जारी हुए हैं उसमें ऐसा कोई अध्यादेश नहीं है। जो भी किसानों की मांग थी, जो किसान संगठन पीछे मांग कर रहे थे, सरकार ने सभी मांगों को पूरा करने के लिए उनकी सहमति अपनी जता दी है। सरकार चाहे लगातार वार्ता क्यों कर रही है, सरकार वार्ता कर रही है, कोई शायद संशोधन कर। अन्नदाता अन्नदाता है, वो सब सम्माननीय है, माननीय है, और कभी भी किसानों को तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती और न ही इस पर हम सोचते हैं। ये अभी SYL का मुद्दा भी आया है, नहीं, ये लगातार मुद्दा चल रहा है। ये हमने युवा मोर्चा में था, मुझे याद है 2005 में, और 8 जून से 28 जून तक हमने 20 दिन की यात्रा की थी और चंडीगढ़ में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था SYL के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत पहले से उठा रही है। तो 19 तारीख को भी कोई कार्यक्रम है वेदपाल जी? 19 तारीख को जो हरियाणा, तमाम हरियाणा के लगभग 1,00,000 किसान जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे SYL पानी के लिए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी खुलकर सहयोग करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मुद्दा सुलझाने के लिए SYL उठाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अगर वो इन कानूनों को पढ़ ले और जो 2019 में उनके घोषणा पत्र में था, उन्होंने कहा था, और कपिल सिब्बल ने इसको 2011 में माननीय सांसद थे वो संसद के अंदर कहा था, जो वो ड्राफ्ट तैयार था उसी को आज भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। और ये लगातार 20 सालों की मशक्कत के बाद आज ये कानून आए हैं, और पिछले कानून में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? आप इसको अजमा करके देखो, अगर इसमें कुछ ठीक नहीं होगा तो बदल दिया जाएगा। सरकार इसके लिए तैयार है। अगर MSP रखने के लिए ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.